पायल D90, मेरा घर भी वहीं है। अच्छा, इसका मतलब भगवान ने फिर हमें एक बार मिला दिया। प्लीज विक्की, प्लीज मुझे भूल जाओ, भूल जाओ कि हम कभी मिले भी थे और हमारा रिश्ता क्या था। कैसे भूल जाऊं पायल, कैसे? मैंने प्यार किया था, कोई मजाक नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ से 2 महीने के लिए दूर क्या गया, तुमने शादी कर ली और तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, क्या बीती है मुझ पर। मुझे कुछ नहीं जानना विक्की, मैंने पापा को मना किया था, फिर भी उन्होंने मेरी शादी करा दी। और फिर क्या पायल? और कुछ नहीं विक्की। जैसे तुम इन 2 सालों में रहे हो ना, वैसे आगे भी रह लेना। अब मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरे पति हैं और मेरे पेट में उनका बच्चा है। पायल, पहले तूने मेरे प्यार को मारा था और आज मुझे मारा है। मैंने तुझे प्यार किया था, कोई मजाक नहीं। तेरे हस्बैंड को भी तो पता लगना चाहिए मैं कौन हूँ। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा। और तुम्हें भी पता चलेगा कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब वो तुमसे दूर जाता है तो कैसा लगता है। नहीं विक्की, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूँगा पायल। और हाँ, अभी तक तूने मेरा प्यार देखा है। अब तू मेरी नफरत देखेगी। हाँ भाई, कैसा लगा फ्लैट? फ्लैट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, जो बराबर वाले फ्लैट में हस्बैंड वाइफ रहते हैं उनका क्या नाम है? ओ देव। देव, थैंक यू, चलता हूँ। अरे पायल, वेलकम वेलकम। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। प्लीज विक्की, प्लीज प्लीज। पायल, ये रोना धोना नहीं, मुझे एक कप चाय पीनी है और बिल्कुल वैसी पीनी है जैसी तुम मेरे लिए पहले बनाती थी। पास में ही रसोई है, जाओ बना कर लाओ। लो चाय। अरे बैठो ना, अरे बैठो, इसे अपना ही घर समझो। अरे वाह, आज भी चाय में वही स्वाद है। वैसे एक बात बताओ पायल, अगर तुम्हारे हस्बैंड को मेरे बारे में पता चल जाए तो? नहीं विक्की, नहीं। पायल, कोई ड्रामा नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। खैर छोड़ो, वैसे तुमने अपने होने वाले बेबी का नाम सोच लिया? वैसे तुम्हें याद है हमने अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम सोचा था? ओ सॉरी यार। क्या सॉरी यार, तुम कभी टाइम पे नहीं आ सकते। क्या करूं यार, मेरी ना किस्मत ही खराब है। जब जब ना मुझे तुमसे मिलना होता है, साला कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है। जब तुम बाप बनोगे ना, जब भी ऐसे ही रहना। पागल है क्या? जब तक ना मैं बहुत जिम्मेदार हो जाऊंगा। वैसे हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? विनय। विनय? हाँ हाँ यार, बड़ा मस्त नाम है। हो सके तो इस बच्चे का वही नाम रखना। देव के आने का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कल इसी टाइम इसी जगह शाम की चाय तुम्हारे हाथ हो जाए। ठीक है। वैसे पायल, तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगता था मैंने तुम्हें खो दिया, पर वो है ना ऊपर वाला, सच में ना बहुत बड़ा है और देखो तुम मेरे सामने हो। विक्की प्लीज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान? और तुम
तुम्हारा ना कोई भी पागल बना देगा। वो तुम्हें कब से बोले जा रहा था और तुम पे जवाब नहीं दिया गया उसे। अरे जवाब तो मैं दे सकता था यार, पर छोड़ना, हो जाने दे खुश उसे। तुम सच में ना एक 5 साल के बच्चे की तरह हो, लेकिन इतना भी मासूम होना ठीक नहीं है। यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं आते जवाब देने। अगर मैं परेशान हो गई तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोल देना बेबी मैं ना परेशान हो गई, मैं समझ जाऊंगा कि आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। पायल मैं भी परेशान हो गया हूँ, अब तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। पायल क्या बात है, तुम परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ बात है क्या, मुझे बता दो। पायल तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, फोन बज रहा है तुम्हारा, लो मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, काट दिया। अरे यार जब लोगों को बात ही नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं। पायल मैं फ्रेश हो लेता हूँ, तुम एक काम करो मेरे लिए अच्छी सी एक कप चाय बना दो। अरे यार मेरे तो याद ही नहीं रहा, आज तो तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है। चलो तुम परेशान मत हो, मैं खुद बना लूंगा, ठीक है। हेलो, लगता है मेरा डर खत्म हो गया है, लगता है देव को सब कुछ बताना पड़ेगा। विक्की आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं नहीं आ सकती, और तुम बार बार ना कॉल मत करो। सॉरी यार आने में लेट हो गया। तुम्हें पता है चांद कब का निकल गया है और मैं पूरे दिन की भूखी हूँ, और आज भी तुम लेट आए। अरे यार सॉरी। अब चुपचाप ना यहीं खड़े रहो। अब देख क्या रहे हो, मुझे पानी पिलाओ। अब देखते ही रहोगे या जाओगे भी, मुझे नीचे जाना है। चलो ठीक है चला जाता हूँ। भाग। अरे सुनो तो। अब जा भी। हेलो 7500596728, नाम देव, हस्बैंड ऑफ पायल। हेलो। अरे अभी कुछ बताया थोड़ी है, अभी तो बताना बाकी है, अगर मुझसे रोज मिलने नहीं आई तो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विक्की, तुम्हें पता है ना एक टाइम पे हमने प्यार किया था। इसी बात की तो तकलीफ है मिस पायल, अगर तुम रोज मुझसे मिलने नहीं आई तो उसे सब कुछ पता लग जाएगा। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पायल मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वो मैं ना विक्की को पहले से जानती हूँ। वो सब ठीक है लेकिन मुझे सारी सच्चाई बताओ। पायल तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है।
पायल पहले एक काम करते हैं ना, खाना खाने चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। सर का फोन आ गया। हेलो जी सर। क्या बात है, आजकल मिलना जुलना सब खत्म, लगता है डर खत्म हो गया। विक्की प्लीज मुझे माफ कर दो, हम दोनों ने प्यार किया था, कम से कम उसकी तो इज्जत रख लो यार। यही बात तो नहीं भूल पा रहा हूँ मैं। चलो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता और ना ही परेशान करना चाहता, लेकिन आज मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुमसे 2 महीने के लिए दूर क्या गया, तुमने शादी कर ली? विक्की मैंने तुम्हारे जाने के बाद पापा से बात की थी, पर वो नहीं माने, मैं अकेली पड़ गई थी। और मैं कर भी क्या सकती थी, तुम्हारे आने से पहले उन्होंने मेरी शादी करा दी, और जिससे मेरी शादी हुई है मैंने उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया है। हाँ सर ठीक है, हो जाएगा, चलो मैं बाद में करता हूँ बात। ठीक है पायल, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। पायल पायल, अरे कहाँ गई तुम? विक्की देव आ गए, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है जाओ। कहाँ चली गई थी तुम? वो थोड़ा इमरजेंसी था। पहले ही लेट हो रहे हैं, चलो। जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं ना बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने पहले ही 2 टिकट बुक कर दी थी। ठीक किया ना, अब फिल्म देखेंगे आराम से। हाय देव। अरे विक्की क्या हाल चाल? मैं बढ़िया यार, तू बता। पायल तुम्हें पता है विक्की मेरा कल ही दोस्त बना है। नमस्ते भाभी जी। हाँ देव मुझे ना तुझे कुछ बताना है। बता भाई। बताना नहीं पूछना है। वो ना कल से ना मेरे फ्लैट का पानी नहीं आ रहा, तो मेंटेनेंस वालों का नंबर है? हाँ हाँ है भाई, 8171940829। ठीक है भाई। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो विक्की, तुमने तो कहा था। कहा तो तुमने भी बहुत कुछ था, पर नहीं निभा पाई ना। पर विक्की। पायल मुझे मिलना है तुमसे। विक्की 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 कुछ नहीं, मुझे मिलना है तुमसे अभी, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने तो कहा था तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, फिर क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? तुमने तो बड़े आराम से कह दिया था ना कि तुम चले गए और मेरे घर को ने मेरी शादी कर दी, पर तुम्हें तो पता ही नहीं है उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, और जब तक मैं लौट कर आया तुम्हारी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मैं चुप रहने लगा, मैंने सबसे बोलना चालना बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। धीरे धीरे तबीयत इतनी खराब रहने लगी और कुछ दिन बाद पता चला मेरी जिंदगी थोड़ी ही बची है, और फिर मैंने शांति से मरने की सोचा और सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मुझे कौन मिला? तुम। और तुम्हारी कसम पायल मैं तुम्हें सच में परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिलता था ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ का एक एक दिन बढ़ रहा है, मैं जीता रहा तुम्हें देखकर, इसलिए यहाँ बुलाता था, बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। पता नहीं आज ये सब कैसे बोल रहा हूँ। ये है वो रिपोर्ट जो बताती है मैं जल्दी मरने वाला हूँ। नहीं देव नहीं। विक्की विक्की उठो। देव तुमने ये क्या कर दिया?
उठो ना विक्की उठो। विक्की उठो विक्की, तुमने ये क्या कर दिया देव? विक्की, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? उस इंसान को मार दिया जिसकी जिंदगी के ही कुछ दिन बचे थे। मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा।